गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो ये है सुबह के 9:15 बजे का नज़ारा और मौसम आप देख सकते हैं भयानक बना हुआ है। तो यार यहाँ का ना मौसम पता ही नहीं चलता। तो आज फिर से हो गई है ठंड भयानक वाली। तो मतलब काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। तो ठंड जब यहाँ पे ना एकदम से मौसम ख़राब होती है, ठंड होने लग जाती है। तो 9:15 बजे का जो नज़ारा है कुछ इस तरह का, देखिए कि फटफड़ाने से आप आइडिया लगा सकते हैं किस तरह की हवा चल रही होगी। और हवा भी चल रही ठंडी ठंडी एकदम। तो ये देखिए लेक व्यू, मतलब ऐसे मौसम में थोड़ी उदासी सी लगती है, पता नहीं क्यों ना। जो ऐसे वाला मौसम होता है इसमें थोड़ा एक उदासी वाला सा वो रहता है। तो बड़ा उदासीन सा मौसम बना हुआ है आज। और यहाँ पे है पॉजिटिविटी, जो रंगूरों ने हमारा तोड़ दिया था ना, उसके बाद फिर हमने ये इसको परख दिया ऐसे कल बहुत। गुड मॉर्निंग लड़के, उठ जाते रहिए। राइस का तूने कल फेंका नहीं, डस्ट कूड़ा जो था रैपर था। उठ, नाश्ता बन गया। अब सच में मत घुसना, फटाफट निकल के बाहर, नाश्ता बना हुआ जल्दी हमें को देना नाश्ता। नीचे भी लेके जा, चल 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 निकल बाहर। तो ये लड़का ना भाई उठता ही नहीं है, 9:15 बज गए, जब तक इसको उठाओ नहीं ना। और आज इवन नहीं उठाया, शायद मैंने भी नहीं उठाया, तो उठा ही नहीं अभी तक भी। अरे शूज़ क्यों रखे हुए इसके ऊपर? और ये कंबलों का ढेर लगा के बस बैठने के लिए पूरा, पता नहीं क्या क्या करता था। ये बैग तेरा मैंने उसके अंदर रख दिया था उस दिन, टी शर्ट पड़ी हुई नीचे, क्या है ये? तो कमरा कभी साफ रखेगा ही नहीं। ये देखना यहाँ पे वार्डरोब इसका, मैंने उस दिन ना पूरा इतने अच्छे से सेट किया था ये वार्डरोब इसका, ये पूरा मैंने सेट करा हुआ ना, ये तो अच्छे से तय मार के लगाए हुए हैं। लेकिन इसने जो कपड़े निकाले ऐसे गचड़ बचड़ करके, और यहाँ पे फिर से वापस सारे कपड़े मैंने हटा दिए थे यहाँ से, फिर से इसने यहीं पर रख दिया। बुक शेल बना के दिए इसको, इसमें कपड़े डाल देता है। बुक्स तो ऊपर पड़ी हुई है, पता नहीं किनारे में कहीं। चल निकला फटाफट बाहर, जल्दी आ कह रही हूँ। वहाँ नाश्ता बन गया है, चाय भी बन गई है। ये देखना फ्रेंड्स, नाश्ते में बन रहे हैं, बने हैं आज भी मेथी के पराठे, और ये है लौकी की सब्ज़ी, और ये है क्या कहते हैं उसको, लिंगड़े का अचार। तो क्योंकि आटा जो बचा हुआ था तो मैंने उसी का बना दिया वापस से, वरना ना ये आटा पूरा चीले बनाने लायक बच जाता, फिर इसके पराठे बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। तो चलिए अम्मा जी का नाश्ता वहीं दे देते हैं अभी छोशम में ही, और किचन मेरा साफ अभी तारा आके कर लेगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो सुबह के 9:30 इस समय बजने, 9:45 इस समय बज रहे हैं, और पता क्या मौसम जो है ना बना हुआ है भयंकर, तो गुड़ 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 भी हो रही है। तो हो सकता है बारिश पड़ जाए, देखिए मेरे पीछे देख सकते हैं आप, तो बारिश का मौसम तो बन रहा है, शायद पड़ जाए बारिश आज। तो पड़नी भी चाहिए, ज़रूरत भी है हम लोगों को बारिश की, तो इस तरह से। तो चले मैं जाती हूँ नीचे, क्योंकि अम्मा जी ने मुझे भी बताया हमारे जो खेत हैं वहाँ पे जो मैंने धनिया बोया था, धनिया उग चुका है। तो चलिए मैं आप लोगों को अपने खेतों में लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ अपने खेत। तो चलिए कैमरा टर्न करते हैं और चलते हैं खेतों की तरफ। हमारे खेतों में जाने के लिए ना इतनी सारी सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती है, इतनी सारी सीढ़ियाँ उतरने के बाद फिर हमको जाना पड़ता है इधर को, और इधर से हम लोग पहुँच जाते हैं अपने यहाँ पे। और हमारे ये खेत देखिए, यहाँ पे लहलाते खेत उग गए। तो ये देखिए धनिया मैंने इसमें बोया था, उम्मीद है धनिया ही होगा, यहाँ धनिया ही है। तो इसमें उग गया है धनिया, इसमें भी बोया था बट इसमें नहीं होगा, क्यों नहीं होगा पता नहीं, इसमें बहुत कम उगा हुआ है। इसमें मैंने नहीं बोया था, ये बीज उड़ के इसमें चलेगी, तो इसमें भी उग गए। तो इतने सारे खेत हैं हमारे, देखिए यहाँ इसमें भी बोया था, इसमें भी हल्के फुल्के से उग गए। तो ये हमारी धनिया की खेती बाड़ी उग चुकी है। तो ये हमारी खेती बाड़ी, इतने सारे प्लॉट्स हैं हमारे पास, एक प्लॉट, दो प्लॉट, तीन प्लॉट, और ये सबसे बड़ा वाला प्लॉट चौथा। तो काफ़ी रिचू में ऐसा नहीं है, तो चलिए मजाक था, मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये देखिए इसमें नहीं होगा यार। तो फ्रेंड्स लो हो गई बारिश शुरू, बूंदाबांदी, बादल भी गरजे तो हो जाए एक बारिश मस्त वाली, धूल मिट्टी से बैठ जाए बस, इतनी खतरनाक धूलें उड़ के आ रही है कि ना ही पूछें। तो बारिश शुरू होते हुए, तो चलिए हम तो तैयार होते हैं दुकान की तरफ, क्योंकि बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, चाहे बर्फ आए, दुकान तो जाना ही पड़ेगा। तो बड़ी अच्छी वाली बारिश हो रही है, सीरियसली भी तो आज होगी मस्त वाली बारिश, मस्त मज़ा आ गया अभी फ़िलहाल तो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो 10:04 इस समय हो रहे हैं, और बारिश जो है ना अच्छी अच्छी वाली हो रही है, तेज़ वाली, बट चल पड़ी है हवा, मुझे लग रहा रुक जाएगी अब बारिश फिर। अब इस समय क्या होता है, हल्की सी हवा भी चल जाए तो बारिश रुक जाती है। तो आप देख सकते हैं बारिश, और बारिश का मौसम नैनीताल में सुहाना मौसम। कल परसों दो दिन जो है ना अच्छी खासी सी गर्मी हो गई थी, तो आज फिर से देखिए तेज़ बारिश होती हुई। तो लो जी 10 मिनट भी बारिश नहीं पड़ी थी, अब लग गई है धूप। तो सही कहते हैं लोग नैनीताल का मौसम और बॉम्बे का फैशन, भाई साहब कोई पता नहीं चलता। तो देखिए मस्त धूप लग गई अब तो, 10:30 बज रहे इस समय। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो सुबह के 11:30 होने वाले इस समय बज चुके हैं, मुझे देखना पड़ेगा टाइम नहीं पता, 12 बज चुके हैं, मतलब एक मिनट बचता है। तो मैं अब निकल रही हूँ दुकान की तरफ। तो चले मौसम बस ऐसे ही बना हुआ, थोड़ी सी हल्की फुल्की बारिश हुई उसके बाद बस, फिर थोड़ा साफ थोड़ा बादल उस टाइप का ही बना हुआ। तो मैंने पहने हुआ ग्रे कलर का टी शर्ट और वही वाइन कलर की जैकेट, और पहने हैं ब्लू कलर का डेनिम लाइट ब्लू। तो चले चलते हैं दुकान की तरफ और मिलते हैं दुकान पर जाके। जब पहुँची थी इधर आवागढ़ वाले रास्ते में ना,
तो यहाँ पे ये बाइक लेके चले थे टूरिस्ट ऊपर को, और यहाँ पे इन्होंने मतलब बाइक का जो एक्सीडेंट हो गया इनका, पलट गया और टांग में थोड़ी बहुत चोट लग गई। तो जब इनको चलाना नहीं आता, मुझे लगता है जिन लोगों को नहीं चला सकते हैं ना पहाड़ों पे चलाना, हर किसी के बस की बात नहीं होती है, मुझे तो खुद बैठने में डर लगता है साइड से बाइक में, और ये लोग चला के आ गए, अभी टूरिस्ट है, और बाइक वहाँ पे रपट गई, और मतलब चोट तो नहीं लगी, हल्की फुल्की सी इस लड़के के पैर में थोड़ी सी चोट लगी है, और जो लड़की साथ बैठी थी उसकी चोट नहीं लगी है। तो इस रास्ते में इन लोगों को बिल्कुल भी बाइक लेके नहीं आना चाहिए। तो बाइक वाला, टैक्सी बाइक वाला खुद पीछे आ गया, शायद उसे पता चल गया होगा कि वो नहीं है कुछ ना कुछ इस रास्ते में, और जा कहाँ रहे थे पता नहीं, यहाँ से ऊपर तो कहीं रास्ता ही नहीं जाता है, तो ज़बरदस्ती के चल के आ रहे थे ये लोग ऊपर। तो मैं पहुँच गई आवागढ़ की तरफ, तो चले मिलते हैं नीचे जाकर। तो मैं खुद डर गई, मेरे सामने से ऐसे हुआ तो घटक करके एकदम से एक्सीडेंट हो गया उसका, बाइक वाले का। तो फिर एक बार फिर से मैं उस स्टेट बैंक पर, और स्टेट बैंक वाली रोड पर, मतलब ये सामने स्टेट बैंक, तो गाड़ियाँ आप देख सकते हैं लगातार आ रही हैं इधर को, काफ़ी सारी गाड़ियाँ आती हुई लगातार लाइन से गाड़ियाँ आ रही हैं। तो वही सेम कहेंगे, जाम की स्थिति बनने वाली है फिर से। तो चले चलते हैं, मौसम बस ऐसी बना हुआ है, धूप छाँव टाइप का, मतलब ज़्यादा ठंड तो नहीं है, जिस तरह का सुबह मौसम था ना एकदम ठंडा सा, वैसा तो मौसम नहीं है, बट फिर भी धूप छाँव तो है ही है। तो चलिए जी चलते हैं और देखते हैं आज किस तरह से रहता है काम दुकान में। तो फ्रेंड्स, फन पार्क का नज़ारा इस समय, आज भी दिख रहे हैं काफ़ी टूरिस्ट, काफ़ी लोग दिख रहे हैं सुबह के, मतलब दिन के 12 बजे के समय में, और काफ़ी ज़्यादा बोट्स जो है ना लेक में, तो बहुत ज़्यादा बोट्स नज़र आ रही हैं। थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ आपको, पास में नहीं जाऊँगी आज, तो देखिए कितनी सारी बोट्स दिख रही है लेक में। तो चले, लोग बोटिंग का आनंद ले रहे हैं, मौसम भी अच्छा बना हुआ है, ना तेज़ गर्मी ना ठंड, बढ़िया सा मौसम बना हुआ है। तो चलें जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो दिन के बज रहे इस समय 1:15, और अच्छी वाली धूप फिर से लग गई है। देखिए मौसम जो है ना क्लियर सा हो गया है। तो सुबह बहुत भयानक बारिश हुई थी, भयानक बारिश तो नहीं थी, तो अच्छी खासी मतलब ठीक सी बारिश हो गई थी, तो लग रहा था दिन भर बारिश होने वाली है आज। उसके बाद जो है मौसम खुल गया था, तो अब लग गई है चटक वाली धूप, तेज़ वाली धूप। तो चले जी मिलते हैं थोड़ी देर में, दुकान पहुँच गई थी मैंने आते हुए, फन पार्क के बाद इधर को शूट नहीं करा। और आज है मेरी एक सब्सक्राइबर, हमारी फ्रेंड है शाश्वती चौधरी जी, जो है कोलकाता से, तो उनका बर्थडे है, तो स्पेशल बर्थडे विशेष शाश्वती जी आपको हैप्पी बर्थडे, और भगवान करे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो और आप हमेशा खुश रहें। तो चलिए शाश्वती जी को हैप्पी बर्थडे विश कीजिएगा सभी लोग। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए दो अनमोल रतन, दो एक अनमोल दूसरा रतन, तो दोनों जने यहाँ पे खड़े होकर गपशप मारे, तो मैं थोड़ा सा इनका शूट कर लेती हूँ मैं। तो पता क्या हुआ, अभी जो कस्टमर आने पीछे खड़े, इनको मैंने शुक्रिया बोला, उस पर भी गुस्सा हो गई, कह पैसे तो कम के नहीं शुक्रिया बोल, मैंने वापस दे रहा शुक्रिया। मैं उसका आपस लेता हूँ। तो फिर बताइए आप दोनों कहाँ से घूम के आ रहे हैं? और काफी रस दिखाई दे रहा है फिलहाल, दुकान पे खैर नहीं है, शाम को होता है सर्दी होता है, शक्ल ऐसा लग रहा है लोगों बोले कितना सॉन्ग होता होगा शाम को। अभी इस वक्त इतना रस नहीं, शाम को थोड़ा बहुत हो जाता है, तरफ भी भागाते हैं। उस वक्त मैं बाजू ऊपर करके तब स्वेटर बेचता हूँ, और आप बताइए आपकी साइड क्या चल रहा है? खाने पीने का तमंग चल रहा है, बस दवा के चल रहा, बाकी कुछ नहीं चल रहा है। अभी से काम काज तो कुछ है नहीं, भीड़ भाड़ होने पे सभी लोग दबा रहे हैं, और तमंग के ही कोई वो नहीं है, सभी लोग बेच रहे हैं सभी जगह। नहीं नहीं, भीड़ भाड़ पर कस्टमर उतना तो नहीं है, भीड़ भाड़ तो अच्छा है, भीड़ भाड़ जिसके हिसाब से है ना, मतलब उस हिसाब से नहीं है। अब आया है शहर में कुछ ना कुछ ले रहा था, बाकी लोगों ऑनलाइन शॉपिंग का ज्यादा क्रेज है ना, तो ऑफलाइन थोड़ा लोग कम लेते हैं। इस वक्त जो भी घूमने आ रहे हैं, काफी अच्छा वेदर हो रहा है, और हरियाली छाई हुई, हरियाली छाने लग गई है, पेड़ों में जो पत्ते नहीं हुआ करते थे अब पत्ते आते हैं, तो कितना सुंदर लगे, इधर से बाल नहीं है, बाल आएगा तो कितना सुंदर लगेगा। तो आज सुबह जो है बारिश हुई, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप दोनों? बारिश तो यहाँ मजाक के तौर पर लगता है, क्योंकि बारिश यहाँ कभी अभी मौसम से, हाँ कभी कुछ भी हो सकता है, या वेदर का अभी बादल लगे पड़े हैं। तो जैसे आज सुबह की बारिश को क्यों उम्मीद नहीं थी ना, उस टाइम तो धूप लगी हुई थी, एकदम ही बारिश हुई, भयंकर बारिश हुआ कुछ ही देर में, बिल्कुल इस तरह साफ हो गया, धूप लगी। तो नैनीताल का मौसम और बॉम्बे का फैशन का कोई पता नहीं, तीसरा नाम मत लेना। तो फ्रेंड्स, ये है दिन के 3 बजे का नज़ारा, और छत पे लंगूर कूदते हुए बहुत ही बुरी तरह से, भयंकर तरीके से कूद रहे छत पे लंगूर, नीचे आने वाला है छत पूरा नीचे आने वाला है, कूद कूद के छत को हिला दे रहे बुरी तरह से। तो इस तरह का क्राउड है, अभी मौसम आप देख सकते हैं अजीब सा बना हुआ, धूप भी छाँव भी, मतलब गर्मी है पर ठंड नहीं है बिल्कुल भी। तो चले, नाक बह रही है तो ऊपर को खींच दिया मैंने स्प्रू करके, पोछ पोछ के दर्द हो रही नाक में।
गुड इवनिंग एवरीवन। तो शाम के बज चुके हैं 4 और मैं चल जा रही हूँ ठंडी रोड शनि मंदिर की तरफ। तो इन लोगों से बात करी थी तो ये देख हमारे पीछे, बोले मैं बेल्ट पहनना भूल गया, लेकिन लूज पैंट पहन के घूम रही है बड़ी मजे से। तो चले शनिवार है ना आज, तो शनि मंदिर तक जाते हैं ठंडी रोड की तरफ। तो मैंने जैकेट पहन लिया है क्योंकि ठंडी रोड का नाम सुन के ठंड लग जाती है, मुझे थोड़ा सा लगा हुआ जुकाम भी, अगर मैं ऐसी चली गई तो मुझे ज़्यादा जुकाम हो सकता है। तो चले लेके चलती हूँ ठंडी रोड, वहाँ से खूबसूरत से नज़ारे देखेंगे और शनि मंदिर से आगे वाले मंदिर तक जाके आते हैं। तो चले मैं बोल आती हूँ, पहले इसको बोल के नहीं आई हूँ मैं। मैं निकलने लगी थी मंदिर की तरफ तो यहाँ पे कस्टमर जो है सामान ट्राई कर रहा था, तो फिर मैं रुक गई, मैंने जब एक सामान देख रहे हैं इसके बाद मैं चली जाती हूँ। तो शाम के 4 बजे का जो नज़ारा है ना कुछ इस तरह का है। तो मौसम आज ठंड नहीं रही, जैसे मैंने सुबह बताया था ना, स्पेशली लाइव जाके भी बताया था कि ठंड हो सकती है, पर ठंड हुई नहीं, बारिश तो पड़ी थी हल्की फुल्की सी, मगर ठंड नहीं हुई है, नॉर्मल सा मौसम है। लोग हाफ टी शर्ट में भी आराम से अभी घूम ले रहे हैं, जैसे धूप चली जाएगी शाम हो जाएगी ना फिर थोड़ी सी ठंड बढ़ सकती है। तो ठंड में तो शाम के समय में तो बड़ी रही। मंदिर जाने से पहले आप लोगों को शनि मंदिर जाने से पहले आप लोगों को माता रानी के जो मंदिर के दर्शन भी करवा देती हूँ। मैं एक्चुअली ना पहले आ चुकी हूँ यहाँ पे, तो तभी भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और इस समय भी देखिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो ये है श्री माँ नैना देवी मंदिर नैनीताल में और माता रानी का जो मंदिर है यहाँ पे। तो चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी खासी वाली भीड़ भाड़ हो रही। तो ये देखिए यहाँ पे ना शूज़ रिमूव करने का जो स्थान है ना यहाँ पे है, तो लोगों ने क्या है कि यहीं पे शूज़ रिमूव करना स्टार्ट कर दिया। तो कल भी मैं देखी थी यहाँ पे पूरे शूज़ के ढेर लगे हुए थे, जिनको पता नहीं है कि शूज़ रिमूव करने की जगह अंदर है, तो वो बाहर से रिमूव करके जा रहे हैं शूज़। और बहुत ज़्यादा रश भी हो रहा है आजकल ना, तो इस तरह का है भी मंदिर का नज़ारा और माता रानी का जो मंदिर है यहाँ पे। भैया जी बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा, फ्रेंड्स हम चलते हैं वापस, फटाफट चले जाती हूँ वरना दुकान में ना भीड़ हो सकती है, तो किसी भी टाइम पे भीड़ हो जाती पता ही नहीं चलता है। तो चले फटाफट चलते हैं शनि मंदिर। तो यहाँ पे देखिए कैसे बैठे हुए टूरिस्ट, इतना सारा झोला तुमड़ा लेके, तो जूते देखिए यहाँ पे रिमूव कर दिए मंदिर के बाहर में ना, ऊपर ही अंदर तक नहीं पहन के गए। तो यहाँ पे देखिए पूरे बैग्स लेके बैठे हुए हैं लोग बाग, और यहाँ पे देखिए रश की स्थिति। तो मैं इस तरफ को आ चुकी हूँ पालिका वाली साइड को, तो यहीं से हम चलेंगे बाहर को शनि मंदिर की तरफ को। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं। अब आजकल ठंडी रोड थोड़ा सा वीरान सा लग रहा है क्योंकि काम चल रहा है जगह जगह पे, जिसकी वजह से ऐसे कट्टे वट्टे सब रखे पड़े हुए रोड के साइडों में, तो सुन मतलब अच्छा सा नहीं लग रहा, खूबसूरत सा नहीं लग रहा है, लेकिन शांति बहुत है यहाँ पे इस रोड में। और यहाँ पे काम चल रहा तो धूल भी उड़ रही है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे भैया ने जो चना जोर गर्म लगा रखा, तो कितने खूबसूरत से फूल ऐसे सजा के रखे हुए, देखिए इसमें बहुत ही सुंदर लग रहे फूल। तो चलिए चलते जाएंगे आगे को, तो दीवारों में कुछ वो हो रहा है, प्लास्टर करा जा रहा है दीवारों को, नवीनीकरण का जो कर रहे हैं वो चल रहा है इधर में। तो वो चले तो ठंडी रोड में ना शांति मिलेगी। अब कोई भी अगर आता है नैनीताल तो मैं बार बार बोलूँगी कि आप ठंडी रोड आया करें, बाकी सब जगह घूमने के बजाय ठंडी रोड में आके आराम से आप बैठ सकते हो यहाँ। तो फ्रेंड्स यहाँ से ना सामने में है मंदिर माता रानी का, घंटियों की आवाज़ आ रही मंदिर से ना, और लेक व्यू आप देख सकते हैं, तो काफ़ी सारी बोट्स है लेक में। तो सामने है ये यहाँ पे बोट हाउस क्लब, और पास में ही है बोट स्टैंड और बैंड हाउस। तो चलिए जी ये देखिए, तो ये है लेक व्यू यहाँ से ठंडी रोड से। तो हम लोग फटाफट चलते हैं शनि मंदिर की तरफ, काफ़ी ज़्यादा बोट्स ना लेक में नज़र आ रही है। तो चलिए शनि मंदिर में महाराज जी के दर्शन कराते हैं और फिर मिलते हैं। इस वॉक से मैं वापस आ चुकी हूँ, तो रश नहीं दिख रहा अभी, हल्का फुल्का मैं फटाफट गई, चूँकि रश ना हो जाए। पर ठंडी रोड में भी जैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ी, गर्मी लगी, मुझे जैकेट पहन के चली गई थी मैं, मैंने सोचा ठंडी रोड में ठंड होगी, तो आजकल तो ठंडी रोड में भी ठंड नहीं हो रही है। तो चले पहुँच चुके हैं वापस दुकान में, भेजा कुछ दुकान में एवरीवन। तो शाम के बज चुके हैं 6 और भीड़ भाड़ आप देख सकते हैं, और यहाँ पर बजने लगे सत्यप्रकाश जी के गाने। तो ये है भीड़ भाड़ का आलम इस समय शाम के 6 बजे, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, दुकानों के साइड तो खाली पड़ा हुआ है आज, बिल्कुल सुना पड़ा हुआ है, सब लोग बैठे वैसे मुँह में उंगली डाल के बैठा हुआ पीमा तो वहाँ तो इस तरह का चल रहा है यहाँ पे। पता नहीं इस पोल पर इतने तारे लटका के रख देते लोग, तारे ही तारे होते इसमें लटकी हुई हमेशा। तो यहाँ पे चल रहे हैं गाने आगे, छोटे से बेबी लिए खड़े सरदार जी, जीना इसी का नाम है। तो यहाँ पे चल रही शूट भी साथ में, गुड इवनिंग एवरीवन। तो शाम के कहीं या रात के कहीं 9 बज चुके हैं इस समय, और पता क्या यार कोई भी मार्केट नहीं बढ़ा रहा आजकल, तो टिबेटन मार्केट वाले भी इतनी देर तक बैठे रहते, नहीं तो उन लोगों का क्या था कि मार्केट जल्दी क्लोज हो जाती है, तो फिर हम लोग ना
बढ़ा के चल जाते हैं। अगर आजकल वो लोग के पास रेडीमेड है तो उनके वहाँ पे शायद कस्टमर्स होते होंगे इस समय तक, तो वो काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं। तो हमारी मार्केट तो खैर अभी कोई नामो निशानी नहीं है बढ़ने का, तो मेरे को दिल कर रहा कि बढ़ा के मैं घर की तरफ चल जाऊँ, क्योंकि कस्टमर्स तो कम शमी दिख रहे, दुकान की तरफ घूमते हुए तो कस्टमर नज़र आ ही जा रहे हैं लोग। तो चले मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। क्या है तो फ्रेंड्स, 9:48 हो रहे हैं इस समय और मैं निकल पड़ी हूँ घर की तरफ बाइक से। तो चले घर पहुँच के मिलते हैं इसके बाद। तो फ्रेंड्स, मैं पहुँच चुकी हूँ घर पे और हाँ मजी टीवी देखते हुए। क्या आ रहा है आज? तो डांस का होगा प्रोग्राम, डांस दीवाने चल रहा है यहाँ पे, और देखते हैं नोनी की तरफ क्या चल रहा है। क्या चल रहा है दिखा दो, मुंह में लगा रहे, तू मुंह पोछते रहे, मुंह धोता रहे दिन भर। सुन, कल सुबह दुकान जाना तुझे मेरे साथ, लड़का नहीं आ रहा कल। तूने मनी प्लांट कहाँ से डाला इसमें? कहाँ से काटा ये? इसे पूछ के काटा। कहाँ से? उससे अंदर वाले से? यार नो नो, ऐसे मत काटो ना तुम मेरे पौधे को। इसे पूछ के काटा यार मैंने। तभी से तेरे गंदे कमरे में तो पनके पनपे का भी नहीं हो, बाहर से निकालना था। मुझे उस दिन बोलते थे लंबे लंबे प्लांट काटे थे मैंने, हे राम मेरे मनी प्लांट को से डाल दिया इसने। ओल्ड मंकी वाटर नीचे था ये। तो इस लड़के को देखो क्या क्या हरकतें करता है। तो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है ना, यहीं पे हम लोग इसको देते हैं पूर्ण विराम इसके थोपड़े के साथ। कल को फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बोल बोल बाय बाय। जब्बा जब्बा जब्बा।